अस्सलाम वालेकुम, मैं शबीना खान। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पत्ता गोभी की अंडे वाली सब्ज़ी, पत्ता गोभी और अंडे की सब्ज़ी बनाना। उसके लिए मैंने पत्ता गोभी ली हूँ। पत्ता गोभी को मुझे इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट लेना। मैंने आधा किलो पत्ता गोभी ली हूँ। उसके लिए पत्ता गोभी आधा किलो, मटर के दाने आधी कटोरी, अंडा दो, एक टमाटर, इसको हमने छोटे टुकड़ों में काटना है। अभी प्याज लेना है, हमने एक प्याज लिए हैं, उसको काट लिए हैं। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल, और बघार के लिए हमने लिए हैं कलौंजी, जीरा, मीठा नीम पत्ता, पिसी मिर्ची, पिसी हल्दी, पिसा गरम मसाला, नींबू का रस लगेगा उसमें हमको थोड़ा सा, चाट मसाला, 3 लौंग लिए हैं हमने, और 8-9 हमने इसमें लिए हैं काली मिर्च, और हमको इसमें लगेगा एक पत्ता। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पत्ता गोभी को हमने कुकर में एक सीटी आने तक के इसमें पकाना है। सिर्फ एक सीटी आएगी आने तक, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। पत्ता गोभी को हमने अच्छे से काट के इसको धो लिए हैं और कुकर में डाले हैं। इसमें हमको और कुछ नहीं डालना है। पत्ता गोभी में जो पानी निकलेगा उसमें ये एक सीटी में हो जाएगा। हम इसमें पानी भी नहीं डाले, नमक हल्दी हमको कुछ नहीं डालना है। बस इसको ऐसे ही हमको एक सीटी लगाए तक के, इसको एक सीटी आने तक के पकने देना है। एक पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, लौंग और काली मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे कलौंजी, जीरा और मीठा नीम। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई प्याज, इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पिसा गरम मसाला, चाट मसाला, पिसी हल्दी और इसमें पिसी मिर्ची डालेंगे। और हमने इसमें पहले आपको बोले नहीं थे, बताए नहीं थे, इसमें पिसा नमक भी डालेगा अपने स्वाद के हिसाब से। तो मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें हमको डालना है कटे हुए टमाटर। इसमें हमको मटर के दाने भी डालने हैं। अभी अच्छे से मिक्स करके पकने देंगे थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए। ये देखिए, ये अच्छी तरह से थोड़ा गल गया है टमाटर, जो है गल गया है और मटर भी हो गया है। अब हम गोभी को देख लेते हैं। ये देखिए, ये पत्ता गोभी, इसमें हमने पानी डाले नहीं थे, एक सीटी बस आया है और ये अच्छे से हो गया। अब हम इसको इस सब्जी में डालेंगे। ये देखिए, अब इसमें से हम ये जो पत्ता हम डाले थे इसको हम अलग कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस मिक्स करेंगे। ये सब्जी बहुत ही स्पाइसी और चटपटी लगती है। अब हम इसमें उबली हुई जो पत्ता गोभी है उसको मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया है। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम धीमी आंच में ढककर पकने देंगे। अब देखते हैं, ये हो गया। अब हम इसमें ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया और कटी हुई मेथी पत्ती डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
ये देखिए कटोरी में हमने अंडे को फोड़ लिए हैं। अब हम इसको अंडे को इसमें मिक्स करेंगे। इसको जल्दी जल्दी अच्छे से मिक्स करना है। तो इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करना है। इसको एकदम हमको सूखा बनाना है। ये सब्जी जो है ये सूखी अच्छी लगती है। इसके जो तेल है वो छूटने तक के हमको इसको चलाना है और मिक्स करते रहना है। और इसमें नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन ये जो सब्जी है बहुत ही चटपटी और स्पाइसी बनाने से अच्छी लगती है। हमको इस तरीके से इसको मिक्स करते रहना है जब तक कि इसका जो तेल है बिल्कुल अलग ना दिखने लगे। ये देखिए हमारी पत्ता गोभी की अंडे वाली सब्जी बनकर तैयार है। ये देखिए इस पर कैसे अलग से तेल सब छूट रहा है। ये देखिए ये सब्जी बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारे ये पत्ता गोभी की सब्जी अंडे वाली बनकर तैयार है। ये बहुत ही जायकेदार लगती है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये हमारा सब्ज़ी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अब ऊपर